हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड अमन। तो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Hyundai i20 और बलिनो, मारुति सुजुकी बलिनो का। ठीक है, दोनों गाड़ी एक साथ खड़ी हैं आज। तो मैं तो अपने होम टाउन, लेकिन मैंने उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के डाला हुआ है, तो सेम ब्लॉग बनाने का कोई मतलब है नहीं। आज अपनी दो गाड़ियाँ साथ खड़ी हैं, उस बलिनो का भी कुछ पास्ट है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे, बट अभी इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला। आप पीछे की वीडियो जाके खंगाल सकते हो। तो दोनों का ही सेम सेगमेंट है, दोनों ही प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। फ़र्क ये है कि ये 10 साल पुरानी गाड़ी है, ये 5 साल पुरानी गाड़ी है, 17 मॉडल है, ये 12 मॉडल है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि 2012 में Hyundai i20 में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स मिलती थी, क्या कुछ मजबूती मिलती थी, और बलिनो डेल्टा में 2017 में क्या कुछ फीचर्स मिलते थे और क्या कुछ मजबूती मिलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसके लिए मारुति मशहूर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं। तो अभी ऐसे कुछ दबाने से तो नहीं दब रही, लोग बोलते हैं कि दबाने से दब जाते, शायद एडजस्ट से ना दबती हो। मैं देखता हूँ उसके बोनट पर ट्राई करके। हाँ, ये दब रहा है भाई, देखो यहाँ पे। हाँ, ये तो दब रहा है भाई, ये दब रहा है। एडजस्ट पर थोड़ा मजबूत होता ना, ये नहीं दबेगा बीच में अगर मैं दबाऊँ। ओह, ये तो पूरा ही दब गया, ये देखो भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी बिल्ड क्वालिटी है, देखना। ठीक है, अब सही में हम अपनी i20 के साथ करके देखते हैं। मुझे इसकी बेस्ट चीज़ यही लगती है भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, ये देखो। ओह, ये भी दब रही है, देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँगा मैं, ये भी दब रही है भाई। ठीक है, बोनट तो इसका भी दब रहा है, फेंडर पे आ जाते हैं, इस पर नहीं ट्राई करेंगे। हल्का फुल्का ये भी दब रहा है, इसका फेंडर ट्राई करते हैं। ये तो पूरा जैसे उसका बोनट दब रहा था वैसे ही दब रहा है। तो मुझे तो ऐसा, अगर मैं अपनी ग्लोबल एनकैप को छोड़ के इसकी रेटिंग दूँ, ये भी हल्का फुल्का दब रहा है। तो इसको मैं दे दूंगा 10 में से 8, तो इसको मैं दे दूंगा 10 में से 6, ये भी हल्का ही दब रहा है। इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा कि ये 2 स्टार है। वैसे इसकी पता नहीं ग्लोबल एनकैप रेटिंग क्या है, अब आने लग गई हैं चीज़ें, 2012 में कौन देखता था बिल्ड क्वालिटी वगैरह, बट इसकी 5 स्टार ही होगी यार, जिस हिसाब से इसका दरवाज़ा है, जिस हिसाब से इसकी आवाज़ आती है, देखना ज़रा आवाज़ सुनो। अरे कुत्तों को भी ना तभी सारी डिस्टर्बेंस तभी आएगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो आवाज़ इतनी बढ़िया है ना इसकी, इतनी तेज़ यार, रुको पहले उसको शांति हो जाना, उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही वीडियो बंद करी भाई, कुत्ता भी शांत हो गया। तो ये देखो टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आते हैं 14 इंचेस के टायर, R14। अब ये तो टायर मैंने बाहर से डलवाया तो गुडियर के हैं, शायद पहले ब्रिजस्टोन के आए थे, इसमें MRF के आते हैं कंपनी से ही। और इसमें आते हैं आपके, अगर मैं किसी प्रोफाइल की बात करूँ तो 15 इंच के टायर, तो टायर प्रोफाइल की बड़ी है। इसको हम चाहे तो अभी हम 16 तक तो आराम से कर सकते हैं, कंपनी इसमें टॉप मॉडल में 16 वैसे भी लगा के देती है, 17 तक भी कोई दिक्कत ऐसा है नहीं इसके चलाने में। ठीक है, बाकी इसमें जो है स्पॉइलर मिल जाता है आपको, i20 में आपको स्पॉइलर नहीं मिलता था तब। ठीक है, टेल लाइट कुछ देखो आपको इसकी ऐसी राउंड शेप की दिखती है, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस बलिनो की टेल लाइट में भी नहीं है, LED इसमें भी नहीं आती। तो ये भी नॉर्मल आपको बल्ब वाले ही टेल लैंप्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये क्रोम वगैरह तो सारा कंपनी से एज एन एक्सेसरी लगाया हो गया है। बाकी अगर मैं उसके मिरर्स की बात करूँ तो उसके मिरर्स भी अंदर से आप बंद, मतलब फोल्डेबल है, इसके मिरर भी अंदर से फोल्डेबल है। ठीक है, बाकी इंडिकेटर्स वगैरह जो है फेंडर पे इसके भी नहीं है और इसके भी नहीं है, अलॉयज दोनों में ही नहीं आते। आप देखो गाइस कितना कम डिस्टेंस लगा के मैंने खड़ी कर रखी है, आगे भी कुछ खास डिस्टेंस है नहीं दीवार और गाड़ी में। ठीक है, आप देखो तो एक्चुअली स्पेस की थोड़ी सी कमी है, यहाँ हम खड़ी नहीं कर सकते, तो गेट आराम से खुल जाए और बंद हो जाए उसके लिए हमने पीछे थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे, इसे खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना इसलिए। बाकी अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, इंटीरियर थोड़ा सा आउटडेटेड तो लगता ही है, सॉरी, अब ये ट्रिप से आई है ना तो काफ़ी सारा सामान इसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा आउटडेटेड सा इंटीरियर तो लगता ही है, पर ठीक है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, मुझे आदत हो गई चला चला कर। बाकी कंट्रोल सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 5 स्पीड का उसके अंदर गियरबॉक्स मिल जाता है, सारे पावर विंडोज़ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको रियर व्यू मिरर नहीं मिलने वाला इसके अंदर।
सेम ही से कुछ फीचर्स वहाँ भी है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है यहाँ पे, बड़ी चीज़ ये है 12 मॉडल गाड़ी में भी। बाकी उसकी मेरे पास चाबी है नहीं इस टाइम, पेट्रोल वेरियंट रहने वाला आप देख लो। पर अगर मैं उसके इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है वो है इसके स्टेयरिंग पे कंट्रोल, स्टेयरिंग कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी 4 के 4 पावर विंडोज इसमें भी आपको मिल रहे हैं, साफ करें 4 पावर विंडोज आपको वहाँ भी मिल रहे हैं। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको इसमें भी मिल रहा है, ऑटोमेटिक एसी भी इसमें भी मिलेगा आपको। तो फीचर्स में आज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ये क्रोम वगैरह सारा तो कंपनी से लगा रखा है, बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फीचर्स में है वो है स्टेयरिंग कंट्रोल, बाकी कुछ नहीं। बाकी अगर आज के टाइम पे मेरे से क्वेश्चन किया जाए न्यू बलेनो और न्यू i20 में कौन सी लेना पसंद करोगे, तो i20 भी अब कुछ खास मजबूत रही नहीं तो मैं न्यू बलेनो पे जाना चाहूँगा। न्यू बलेनो मेरे को ज़्यादा दिखने में बढ़िया लगती है, i20 भी अच्छी है, वरना वाली लुक है उसके अंदर, बट वरना वाली लुक है तो वरना ही ना ले लें, ऐसा वर्गी वाला सीन है मेरा। अच्छी है मतलब पहले से अच्छी निकाली है i20, बट मेरे को एलीट ज़्यादा अच्छी लगती है और ये भी काफ़ी अच्छी है। अभी तो इसमें थोड़े बम्पर्स वगैरह लग गया, अगर इसमें बम्पर चेंज करवा दूँ ना इतनी प्यारी लगती है ये, क्योंकि बॉडी वाइज कोई भी कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी जो रियर सीट्स हैं ना इसकी, रियर सीट्स में आपको इसमें हेडरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, एडजस्टेबल है। बट जो मेरी वाली i20 है इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, आप देख सकते हो, ठीक है, वो अटैच्ड ही है, तो वो एक चीज़ है। ये भी है इसमें तो यार 12 मॉडल है ये और वो 17 मॉडल है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा। उस टाइम ये भी आती थी 6.5-7.5 के आसपास आती थी और ये ली गई थी 7.25 के आसपास, जब उस टाइम उसका रेट था। अब तो बढ़ रहे हैं रेट, ठीक है, थोड़ा बहुत फीचर्स में डिफरेंस तो मिलेगा, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, छोटी सी कंपैरिजन वीडियो थी, ऐसी दोनों गाड़ियाँ खड़ी थी, बोर हो रहा था सोचा एक वीडियो ही बना दें, ठीक है। बाकी की अगर बात करूँ तो की उसमें जो है फ्लिप की नहीं आती, नॉर्मल आती है कंपनी जैसे देती है, VXI वेरिएंट मान लो, सो डेल्टा वेरिएंट है, और इसमें आपको फ्लिप की मिलती थी कंपनी से, एक फ्लिप की एक नॉर्मल की मिलती थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, देख लो इसमें फ़ायदा मिल गया i20 में, थोड़ा प्रीमियम भी लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर बिफोर दैट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोस की आपको अपडेट अगर चाहिए तो आप मेरे को नीचे दिए गए इंस्टाग्राम और स्नैपचैट हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।